ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लाखों करोड़ के एमओयू साइन होने की उम्मीद की जा रही है। हजारों की संख्या में आने वाले उद्योगपति, डेलीगेट्स और मेहमानों के लिए खाने का भी विशेष इंतजाम यहां पर किया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल और टेंट सिटी दोनों ही जगह पर अवध, पूर्वांचल, राजस्थानी, पंजाबी, मुगलई के अलावा लखनऊ के खास व्यंजन भी परोसे जाएंगे। खाने की तैयारियां किस तरह की वहां पर की गई है, देखिए अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जहां सरकार ने पूरी तैयारी की है, उसके साथ ही साथ में खास तौर पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के जायके और स्वाद के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण होगा, यह आज हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में आप लगातार इसको लेकर के तैयारियां पहले से चल रही थी और लखनऊ जो कि राजधानी है, यहां पर खास तौर पर जहां पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, वृंदावन आयोजना वहां पर, और इसके साथ ही साथ टेंट सिटी जहां पर तमाम डेलीगेट्स, तमाम मेहमान रुकने जा रहे हैं, वहां पर खाने का क्या कुछ इंतजाम है वो आज हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश अपने खान पान के लिए जाना जाता है। अवध से लेकर के पूर्वांचल, पश्चिमांचल और इससे जुड़े तमाम जितने राज्य हैं वहां के अपने अलग अलग जायके हैं, लेकिन यहां पर आने वाले डेलीगेट्स को क्या कुछ परोसा जाएगा, जो उद्योगपति यहां पर आ रहे हैं वो लखनऊ के मिजाज और उत्तर प्रदेश के खान पान को किस तरीके से आप उसका स्वाद चख सकेंगे, ये सब हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कितनी तैयारी लगी है और कौन कौन से जायके हैं जो उद्योगपतियों को यहाँ पर परोसे जाएंगे। इस सब में बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे यहाँ के हेड शेफ, जो कि हमारे साथ आज पूरी जानकारी आपको देंगे कि कैसे ये तमाम तैयारी की गई है। आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम मुनीर है। मुनीर, आपका नाम? राकुल है। मुनीर और राकुल हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीर जी, ये बताइए कि सबसे पहले तौर पर हमारे दर्शकों के लिए क्या क्या चीजें रहेंगी, क्विजीन किस तरीके का है, मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो जितने डेलीगेट, जितने मेहमान आएंगे उन्हें क्या कुछ आप परोसने वाले? बेसिकली हमारा जो हमने बेस जो रखा है, हमने अवधी फूड ज़्यादा रखा है, इंडियन फूड ज़्यादा रखा है, क्योंकि हमारा यूपी के अंदर ये हो रहा है कॉन्सेप्ट, क्योंकि डेलीगेशन सारे आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं पूरे के पूरे, तो कुछ कुजीन हमने उनके हिसाब से भी रखी हैं। और वैसे हमने जो ज़्यादातर खाना जो रखा है अवधी, राजस्थानी और अपना इंडियन और मुगलई, इस तरह की हमने कुजीन रखी है। आज अब उसी तरीके से हमने सर्व भी की है सारी की सारी कुजीन। कितनी तैयारी है कि लगभग कितने डेलीगेट्स की आप तैयारी एक एक जगह पर कर रहे हैं और फोकस किस पर है कि मुख्यतः इस तरीके का जायका? सर फोकस हमारा सा ज़्यादातर हमारा अपनी लखनऊ की जो हमारी फेमस डिश हैं, जैसे गलोटी कबाब पराठा है और नवाबी अपनी टुंडे के कबाब है, इन पर हमने ज़्यादा फोकस किया है क्योंकि हम बेसिक यहाँ का दिखाना चाहते हैं। वैसे तो हमारा सारा है ही है, कुजीन सारी टोटल चल ही रही है, पर हम ज्यादातर अपना अवधी फूड को यहाँ पे शो कर रहे हैं। पति आए वो लखनऊ का जायका जरूर से चखे, अपना देखें कि हमने ये चीज यहाँ पे खाई है, यहाँ की स्पेशल है। और बाकी कुजीन भी है, बाकी कुजीन को भी हमने अपना शामिल किया हुआ है इसके अंदर, और पर डे उसको हम चेंज भी कर रहे हैं।